नमस्कार दोस्तों, ब्रिज एजुकेशन अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत संसद टॉपिक को पढ़ रहे थे और इसमें आज का जो टॉपिक है वो हमारा है संसदीय कार्यवाही के साधन। संसदीय कार्यवाही के साधन के अंतर्गत उन प्रश्नों और प्रस्तावों को शामिल किया जाता है जिसके माध्यम से संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करती है। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि संसद यानी कि लोकसभा में जनता के प्रतिनिधि चुन करके आते हैं और उनको ये अधिकार होता है कि वो सरकार से प्रश्न पूछें और जनता के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, जो कानून बनाए गए हैं, उनका क्रियान्वयन उनके हित में कहां तक किया जा रहा है। तो इस तरीके से संसदीय कार्यवाही के अंतर्गत उन प्रश्नों और प्रस्तावों को सम्मिलित किया जाता है जिसके माध्यम से कार्यपालिका की जवाबदेही जनता के प्रति या सदन के प्रति सुनिश्चित किया जाता है। तो इसके लिए कई प्रकार के जो प्रस्ताव और कई प्रकार के नियम बनाए गए हैं, इनका हम लोग एक एक करके यहाँ पर अध्ययन करते हैं। संसदीय कार्यवाही के साधन, जब सत्र चलता है तो उस समय इस तरीके की जो है गतिविधियां होती हैं। पहला उसमें है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल संसदीय कार्यवाही के अंतर्गत जो पहला घंटा होता है जिसमें सदन के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं और मंत्री या मंत्रिपरिषद के द्वारा उसका जवाब दिया जाता है। तो यहाँ पर तीन प्रकार की स्थिति बनती है और तीन प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं और दूसरा अतारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं और एक अल्प सूचना प्रश्न होता है। तारांकित प्रश्न का तात्पर्य उन क्वेश्चंस के ऊपर स्टार लगे हुए होते हैं और इनका जवाब जो है मंत्री को मौखिक रूप से देना होता है। ऐसे सवालों में पूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं क्योंकि उसका उत्तर तत्काल वहां पर दिए जा रहे हैं और उससे उत्पन्न जो स्थिति है उस पे प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति के द्वारा पूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अतारांकित ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है और ऐसे चूंकि लिखित रूप में दिया जाता है उसका फॉर्मेट बनाया जाता है तो बाद में ऐसे सवालों में पूरक प्रश्न पूछने की गुंजाइश नहीं होती है। अगला सवाल होता है अल्प सूचना प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिन्हें जो है कम से कम 10 दिन के पूर्व सूचना पर जो है इन प्रश्नों को पूछा जाता है। तो प्रश्नकाल जो है ये सदन की कार्यवाही का पहला घंटा होता है जो 11 से 12 बजे के बीच में चलता है। एक घंटे के लिए ये कार्यवाहियां चलती हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण जो है कार्यवाही का जो माध्यम होता है जिसके द्वारा जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है शून्यकाल। प्रश्नकाल के बाद जो है संसदीय कार्यवाही में शून्यकाल आता है और ये जो है 12 बजे जो है प्रारंभ होता है। क्योंकि 12 बजे मध्य में जो प्रारंभ होता है इसीलिए इसको शून्यकाल दिया गया है। ये संसदीय नियमावली में इसका उल्लेख नहीं है परंतु समाचार पत्र और मीडिया के द्वारा इसका नाम जो है शून्यकाल जो है दिया गया है। कई बार ऐसे भी सवाल पूछे गए हैं कि इसका जो है संसदीय नियमावली में कोई नियम नहीं है तो ऐसे सवालों को जो शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। एक और है आधे घंटे की चर्चा। आधे घंटे की चर्चा का तात्पर्य है कि ये आधे घंटे के लिए ही होता है और दूसरा यह है कि ये सोमवार और एक दिन अंतर करके ये तीन जो है दिन यानी कि सोमवार बुधवार शुक्रवार ये तीन दिन जो है इसमें कार्यवाहियां होती हैं। और इसके लिए जो समय निर्धारित है वो 5 से 5:30 बजे के बीच का है। इसमें ऐसे सवाल जो प्रश्नकाल के दौरान जिनके उत्तर में और स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है वो ऐसे सवालों को यहाँ पर पूछा जाता है। आधे घंटे की चर्चा के साथ साथ अल्पकालीन चर्चा है, ये 2.5 घंटे के लिए होता है और ये सप्ताह में 2 दिन यानी जैसे ये सोमवार को प्रारंभ हुआ था ये मंगलवार को प्रारंभ होता है और बुधवार एक दिन गैप करके बृहस्पतिवार ये 2 दिन जो है मंगलवार और बृहस्पतिवार 2 दिन में जो है यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये लोक महत्व के विषयों को जो है यहाँ पर उठाया जाता है और इसके माध्यम से कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरीके से ये अल्पकालीन चर्चा के अंतर्गत आता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जब सदन में जो है कार्यवाहियां चल रही होती हैं तो
संसद के सदस्यों के द्वारा मंत्री मंत्रियों के समूह या मंत्रिपरिषद का ध्यान किसी विषय पर आकृष्ट करने के लिए ये प्रस्ताव लाए जाते हैं। सामान्यतः इसमें कोई लोक महत्व का जो भी विषय अगर आ जाता है तो उस पर प्रतीत होता है कि सदन की कार्यवाही इस पर होना चाहिए, तो इस तरीके के प्रस्ताव लाए जाते हैं। अगला है स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव का तात्पर्य है कि जो कार्यवाही चल रही उसको उस समय के लिए स्थगित किया जाए। ये प्रस्ताव उस परिस्थिति में प्रस्तुत किया जाता है जब उस प्रस्ताव पर कम से कम 50 लोगों का जो है अनुसमर्थन हो और इसके माध्यम से कार्यवाही को कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है ताकि उस विषय पर जिसे कि प्रतीत होता है कि बहस करना जरूरी है उस पे जो है इसके माध्यम से बहस किया जाना संभव हो सके, तो वहां पर स्थगन प्रस्ताव लाए जाते हैं और इस पर 50 सदस्यों का जो है हस्ताक्षर या अनुसमर्थन होना आवश्यक है। इसी तरीके से निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव जो है ये भी किसी विषय पर असहमति के लिए सरकार के जो भी कार्य हैं, जो भी प्रस्ताव हैं, उस पर विरोध जाहिर करने के लिए, अपनी असहमति को व्यक्त करने के लिए निंदा प्रस्ताव लाए जाते हैं और इसमें भी 50 सदस्यों का जो अनुसमर्थन होना आवश्यक है और तभी इस प्रस्ताव को जो है रखा जाता है। इस पर लोकसभा अध्यक्ष की पूर्व अनुमति भी होती है। अगला होता है अविश्वास प्रस्ताव। ऐसा प्रस्ताव जिसके माध्यम से सरकार की लोकसभा में विश्वास को या उसके बहुमत को सिद्ध किया जा सके, उन प्रस्तावों को अविश्वास प्रस्ताव कहा जाता है और ऐसे प्रस्तावों पर भी जो है 50 सदस्यों का अनुसमर्थन होना आवश्यक है और तभी इसे सदन में रखा जाएगा। और इस अविश्वास प्रस्ताव का इतना प्रभाव होता है कि यदि सरकार इस प्रस्ताव पर हार जाती है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यदि वो अविश्वास प्रस्ताव पर सफल नहीं होती है तो सदन में उसका बहुमत नहीं है और जब बहुमत नहीं है तो उसे सरकार में बने रहने को कोई अधिकार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अविश्वास प्रस्ताव उस स्थिति में लाया जाता है। अगला है धन्यवाद प्रस्ताव। प्रत्येक आम चुनाव के बाद जब सरकार का गठन होता है तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के सत्र को जो है आहूत किया जाता है और उसे संबोधित किया जाता है तथा प्रत्येक वर्ष जो है प्रत्येक वित्त वर्ष के जो प्रारंभ में राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों को संबोधित किया जाता है और इस संबोधन में राष्ट्रपति जो है वो सरकार के समस्त नीतियों को स्पष्ट करते हैं और उन भाषण के बाद जो सदन में उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए एक प्रस्ताव लाया जाता है जिससे उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया जा सके कि वो सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों से सदन को परिचित करवा रहे हैं, तो उस प्रस्ताव को धन्यवाद प्रस्ताव कहा जाता है। अगला है कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव वास्तव में जो विभिन्न प्रकार के विभागों और मंत्रालयों से अनुदान की मांगे रखी जाती हैं उन मांगों पर जब मतदान चर्चा और मतदान होता है सदन में तो उस दौरान कटौती प्रस्ताव लाए जाते हैं। ये तीन प्रकार के जो है यहाँ पे कटौती होते हैं, एक है नीतिगत कटौती और दूसरा है आर्थिक, इसी को मितव्ययिता कटौती भी कहा जाता है, और अगला है सांकेतिक। ये तीन प्रकार के कटौती होते हैं, तीन प्रकार के जो कटौती प्रस्तुत किए जाते हैं। ये बजट के पारित होने की प्रक्रिया का एक चरण होता है, उन चरणों में मतदान और चर्चा होता है तब यहां पर ये कटौती लाई जाती है। नीतिगत कटौती का मतलब यह है कि सदन में सरकार की नीतियों के प्रति असहमति और विरोध व्यक्त करने के लिए किया जाता है और इसमें बताया जाता है कि मांग की धनराशि को 1 रुपये तक कर दिया जाए। दूसरा है आर्थिक कटौती। आर्थिक कटौती के अंतर्गत जिस भी मद में धनराशि को मांगा गया है उसमें कुछ विशेष मात्रा या विशेष धनराशि को कम करने की बात कही जाती है ताकि मितव्ययिता को जो है सुनिश्चित किया जाना संभव हो सके, इसीलिए इसको मितव्ययिता प्रस्ताव भी कहा। सांकेतिक प्रस्ताव में यह कहा जाता है कि अनुदान की मांग को
अनुदान की मांग से 100 रुपए की कटौती कर लिया जाए। इसे टोकन, इसे जो है टोकन कटौती भी कहा जाता है, सांकेतिक कटौती भी कहा जाता है, या सांकेतिक को टोकन भी कहा जाता है। तो इसमें कहा जाता है कि अनुदान की मांग को अनुदान की मांग से 100 रुपए की कटौती कर दिया जाए। और इससे संबंधित सवाल भी परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखना है कि इसे 1 रुपए तक कर दिया जाए। इसमें निश्चित धनराशि की कटौती की बात कही जाती है, इसमें निश्चित धनराशि की कटौती की बात कही जाती है। और सांकेतिक कटौती में कहा जाता है कि जो भी जिस भी मद में धनराशि की मांग की गई है उसमें 100 रुपए तक कटौती कर दिया जाए। यह प्रतीक के रूप में जो है उसकी कटौती करने की बात और सरकार के जो है उस मद में मांग को जो है कि प्रति असहमति इसके माध्यम से व्यक्त किया जाता है, ये विपक्षी पार्टियों के द्वारा रखा जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर नियम भी बताए गए हैं कि कुछ नियम हैं, नियम 184, 193, 377, ये कुछ माध्यम है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के विषयों को सदन में चर्चा मतदान के लिए उठाए जाते हैं। 184 इसके अंतर्गत जिन विषयों को चर्चा के लिए उठाया जाता है उन विषयों पर चर्चा होने के बाद मतदान भी होता है, इसीलिए कई बार ये सवाल भी पूछा जाता है कि सरकार नियम 184 के अंतर्गत किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए क्यों टालती है, क्योंकि इसीलिए क्योंकि उसमें मतदान भी करवाया जाता है। यद्यपि ऐसे विषयों पर सरकार अगर उस पर मतदान में अपने पक्ष में सफल नहीं होती तो सरकार के स्थिति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 193 के अंतर्गत है, 193 के अंतर्गत लोक महत्व के जो है मामले को जो है यहाँ पर उठाया जाता है, इसमें केवल चर्चा होता मतदान नहीं होता है। इसी तरीके से 377 है, 377 नियम के अंतर्गत ऐसे मामले को उठाया जाता है जो किसी अन्य माध्यम से नहीं उठाए जाते हैं, और वे मामले जिन्हें उठाया जाना है इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, क्योंकि इस तरीके के नियम 377 के अंतर्गत जो मामले हैं वो केवल लोकसभा में उठाए जाते हैं। और राज्यसभा में विशेष उल्लेख नाम का एक व्यवस्था और नियम है जिसके अंतर्गत यहाँ पर प्रश्न और विषयों को चर्चा के लिए उठाया जाता है। तो इस तरीके से संसदीय कार्यवाही के अंतर्गत आज के इस टॉपिक में हम लोगों ने प्रश्नकाल, शून्यकाल, आधे घंटे की चर्चा और इसी तरीके से अल्पकालीन चर्चा, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव और नियम प्रस्ताव इत्यादि को जो है प्रस्तुत किए और इसके माध्यम से संसदीय कार्यवाही को समझने का प्रयास किया। एक और भी होता है मूल प्रस्ताव, जैसे मूल प्रस्ताव सदन में रखे जाते हैं और ऐसे विषयों पर मूल प्रस्ताव भी कहीं कहीं आता है। मूल प्रस्ताव जो है ऐसे प्रस्ताव होते हैं जिसे सदन में उसके निर्णय करने के लिए जो प्रस्तुत किया जाता है और उस पर सदन के द्वारा चर्चा और मतदान किया जाता है। प्रश्नकाल, शून्यकाल, इस तरीके के जो विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव हैं वो मूल प्रस्ताव के अंतर्गत आते हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने संसदीय कार्यवाही के साधन को पढ़ा और उन महत्वपूर्ण माध्यमों को और साधनों को जानने का प्रयास किया जिसके माध्यम से संसद के सदस्यों के द्वारा मंत्री से या कार्यपालिका से या पूरी मंत्रिपरिषद से प्रश्न पूछे जाते हैं और उस पर स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है। विभिन्न प्रकार के नियमों को, विभिन्न प्रकार के कानूनों को जमीन पर उतारने के लिए सरकार किस हद तक सफल है और कहां कहां उससे चूक हुई है इस बारे में जो है प्रश्न पूछने का प्रयास किया जाता है। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने इसके बारे में अध्ययन किया। अगले टॉपिक में हम लोग पुनः एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के जो है आएंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।